पेशेंट का? प्रताप शंकर। कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के। लखनऊ में कहाँ से? जानकीपुरम विस्तार से। ये पेशेंट कौन है आपके? ये मेरे ब्रदर है, भाई। ब्रदर है। तो जब आए थे तब आपको क्या क्या दिक्कत हुई थी पेशेंट को? तो पेशेंट को सर वही करीब डायलिसिस की आ गई थी कंडीशन, फिर आपके यहाँ 3 महीने का कोर्स किया तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, काफी नॉर्मल है। तब क्रिएटिनिन कितना है जब आपने यहाँ पे आए? 7 पॉइंट कुछ रखा था। अच्छा, वो रिपोर्ट लाए आप? वो रिपोर्ट लेके नहीं आए। 7 पॉइंट था। इसके अंदर बीपी भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 200 के ऊपर बीपी 200 के आसपास चल रहा था। तो डॉक्टर ने आपको वहाँ पे क्या बताया था? लखनऊ में तो डायलिसिस पे आ गया था, टोटल क्या बताया था डॉक्टर? डायलिसिस करवाइए, बस और कोई नहीं। फिर आपने डायलिसिस के बारे में सोचा, विचार बनाया? नहीं तो वो फिर आपका देखा गया। अच्छा, नेट पर फिर आपका देखा गया तो आप फिर हमने कहा भाई चलिए तुरंत फिर यहाँ आए। यहाँ आए तो 3 महीने का कोर्स किया तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट, पहले से तो काफ़ी फर्क है। हाँ, और अभी जो क्रिएटिनिन है वो भी रिड्यूस हो चुका है, 5 की रेंज में आ गए। हाँ, 5 की रेंज में आ गए। और फिजिकली कैसे हैं अभी प्रताप शंकर? फिजिकल अब तो चलने फिरने में कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले तो चलना फिरना किसी से बात भी चिड़चिड़ापन एकदम से, किसी से ना बात करना एकदम से घूम सुम बैठे रहना, अब तो काफ़ी बदलाव है। निराशा आ गई थी? हाँ, निराशा आ गई थी, अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब आशा की किरण दिख रही है। जी जी। तो ये प्रताप शंकर जी की लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, 21/10/2018 की रिपोर्ट्स हैं। 5.24 क्रिएटिनिन हो चुका है, शुरू किया था 7.89 के आसपास आई है। और आरएमएल मेहोत्रा पैथोलॉजी की रिपोर्ट है, ये लखनऊ की बहुत बड़ी लैब है। बहुत बड़ी लैब है सर, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं और ये लखनऊ साइड की बहुत एक फेमस लैब है। 5.24 क्रिएटिनिन इसके अंदर हो चुका है इनका, और जब आए थे तो डायलिसिस की स्थिति थी 7 के आसपास इनका क्रिएटिनिन पहुंच गया था, वो 7 से घट के 5 की रेंज में आ चुका है। और पहले और अब में इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स और चेंजेस महसूस हुए, पहले और अब में बहुत ज़मीन आसमान के रिजल्ट चेंजेस आए इनको, अच्छे से इन्होंने सब चीज़ें लग के फॉलो की। और आज जो है ये एक और पेशेंट जो डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर हैं, प्रताप शंकर जी लखनऊ निवासी, और उनके अनुज आए हुए हैं आज, उनके छोटे ब्रदर आए हुए हैं यहाँ पे, और वो बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से उनको दिक्कत पहले हो रही थी और अब किस किस प्रकार से उनको इम्प्रूवमेंट्स हैं और किस किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट्स इनको विजिबल हुई। तो डायलिसिस इनको भी एडवाइस कर दिया गया था, और इससे पहले जो पेशेंट हमने देखे उसको भी उनको भी डायलिसिस एडवाइस कर, दोनों ही पेशेंट को डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था। और डायलिसिस के बगैर इनका क्रिएटिनिन में किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट आ सकती है वो आपके सामने विजिबल हुआ कि किस किस प्रकार से इनको चेंजेस आए। स्टॉप किडनी डायलिसिस। So friends, if you still have any doubts, any queries regarding kidney failure and its treatment, please comment on the box below the video and please share your feedback. Do not forget to like and share this video and subscribe to the YouTube channel Karma Ayurveda. अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।